दिया क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। और किसी ग्रंथ में यह समझाया नहीं जाएगा, किसी ग्रंथ में इस ढंग से विवेचन नहीं किया जाएगा क्रिया योग का अर्थ क्या है, क्योंकि हम निष्क्रिय हैं, हम सक्रिय नहीं है। ये जो खाना खा रहे, पी रहे, दौड़ रहे, संतान पैदा कर रहे हैं, ये सक्रियता नहीं है, ये पशुता है। सक्रियता तो 1 कला से 16 कला तक की सक्रियता है, वो रास्ता बिल्कुल ही अलग है। उस रास्ते पर बढ़ने की क्रिया और उस रास्ते पर तीव्रता से बढ़ने की क्रिया को क्रिया योग कहते हैं। हम कैसे उस रास्ते पर बढ़े? और मैंने ये कहा कि हम सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। और निष्क्रिय इसलिए कि हमारा पूरा शरीर जो कुछ हमारे पास है, ये पूरे शरीर का वैज्ञानिकों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, और यदि आप साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो साइंटिफिक दृष्टि में साइंस टुडे एक पत्रिका निकलती है, इंग्लिश में भी निकलती है, हिंदी में भी निकलती है, इंडिया टुडे अलग, मैं साइंस टुडे की बात कर रहा हूं। और अमेरिका में एक सर्वेक्षण करने के बाद वहां के डॉक्टरों की टीम ने यह निर्णय लिया कि व्यक्ति के पूरे शरीर में से केवल 10% शरीर ही क्रियाशील है, 90% स्टील मृत है, जिसका यूज नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। उसको ज्ञान नहीं है कि इस 90% शरीर का क्या यूज है, इसका तरीका क्या है, इसको हम कैसे उपयोग में लें। और मैं भी आपको बता रहा हूं कि हम अपना आज का जो शरीर है, इस शरीर में से 10% शरीर का तो आप उपयोग कर रहे हैं, 90% शरीर का उपयोग आप कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो उपयोग नहीं कर सकते। जब मुझे ज्ञान नहीं है इस पंखे को कैसा चलाएगा, इस पंखा खड़ा रहेगा, मुझे बटन दबाने का ज्ञान नहीं है, बटन नहीं दबेगा पंखा नहीं चलेगा। हमारे शरीर में एक सहस्रार ग्रंथि है, ग्रंथि का मतलब है मांसपिंड, ग्रंथि का मतलब है नाड़ियों का एक गुच्छा। और मैं यहां पर हाथ काटू तो यहां पर भी नाड़ियों का गुच्छा, ये नाड़ियां देखूं, यदि मैं यहां देखू तो ये नाड़ियों, ये सभी मांसपिंड है। और मांसपिंडों पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपका कान आपका ही कान है, आप कान को एक्टिव कर नहीं सकते, कान को हिला के दिखाइए, आप नहीं हिला सकते, क्यों नहीं हिला सकते? आपका खुद का कान है, आप क्यों नहीं हिला पा रहे? क्योंकि वो मांसपिंड अपने आप में निष्क्रिय है, आप उसका यूज नहीं कर पा रहे। उसके अंदर का जो गुहियर है उसका तो यूज हो रहा है, कान का यूज नहीं हो रहा है, नाक का यूज नहीं हो रहा है, उसकी घ्राण शक्ति का यूज हो रहा है। नाक को आप हिला नहीं पाते, शरीर का अंग आपके कंट्रोल में क्यों नहीं हिलाते हो? उंगलियां हिलाते हो, नाक क्यों नहीं हिला देते हो, कान क्यों नहीं हिला देते हो, जीना क्यों नहीं हिला देते हो, क्या है? आप नहीं हिला सकते क्योंकि शरीर आपके कंट्रोल में है ही नहीं पूरा। ये तो बाहरी आवरण है। पूरे इस शंकराचार्य के इसी श्लोक में अणु से महायान के क्षेत्र की यात्रा करते हुए उसने बताया कि जीवन और जीवन के मूल क्षेत्र पूर्ण रूप से 108 इंद्रियां हैं, शरीर की 108 उपन्यास है, मन का मेघमाला में 108 मन के हैं। 108 मन के क्यों रखे थे? 107 रखने से क्या जरूरत थी? 105 रख सकते थे, आखिर तो गिनती तो 100 की करनी थी, फिर 8 बताए के रखे, इसलिए कि इस माला के माध्यम से हमें ज्ञात हो सके कि हम साधना के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। और साधना क्षेत्र में कहां बढ़ना है कि हमें 108 उपनिषदों का निचोड़ मेरे हाथ में रखना है, घुमाते रहना है। इसलिए है 108 मन, एक मन का घुमाते हैं तो एक उपनिषद, कुल 108 उपनिषद है। और हमारे शरीर की कुल ग्रंथियां भी 108 है। और 108 ग्रंथियों में से आपने और मैंने और दुनिया भर के लोगों ने तो कहा है कि 5 ज्ञानेन्द्रियां है भैया, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 10 तो आपको मालूम है। कर्मेंद्रियों में हाथ है, पैर है, आंखें हैं, नाक है, कान है, बस लो ये 5 कर्मेंद्रियां मैं मान रहा हूं। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, सूंघना है, देखना है, स्पर्श करना है, अनुभव करना है, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। मगर वो शंकराचार्य और उससे पहले पुलस्त्य ये कह रहे हैं कि 108 ग्रंथियां हैं, 108 में से अगर 10 इंद्रियों का तुम्हें ज्ञान है तो उसके बाद 98 इंद्रियां कहां चली गई? उन 98 इंद्रियों का आपको ज्ञान नहीं। जो ज्ञान है वो मैं बता दिया, हाथ का ज्ञान है आप हाथ हिला देते हैं, पांच का ज्ञान है पांव हिला देते हैं, 5 कर्मेंद्रियों का ज्ञान है, 5 ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान है, आपको ज्ञान है, मैं मानो आपको ज्ञान है। मगर मैंने आपको पहले बताया कि केवल 10% ज्ञान है, 98 इंद्रियों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो आप उसका उपयोग कर नहीं सकते, जब उपयोग नहीं कर सकते तो पैदा होते हैं मर जाते हैं। अब आपको ये मालूम नहीं कि मुझे पैदा तो मैं हो गया, पहुंचना कहां पर है? जब ज्ञात नहीं है, और ज्ञात इसलिए नहीं, कोई गुरु ही नहीं है जो आपको समझा सके कि भाई तुम्हें यहां पहुंचना है।
और गुरु इसलिए नहीं कि गुरु को खुद को बेचारे को मालूम नहीं, वो खुद पांच ज्ञान इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया लिए बैठे, बच्चा राम राम बोलो सदा सत्य बोलो। अब उस राम राम बोल दो सदा सत्य बोलो से तो उस यात्रा का पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। उस सहस्त्रा और सहस्त्रा का मतलब है सहस्त्र माने एक हजार, उस एक हजार नाड़ियों से मिलकर के जो गुच्छा बना है वह सहस्त्रार है। जहां एक हजार अगर आपने चित्र देखा हो तो ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ते की तरह, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता हो, और मधुमक्खियों का छत्ता हमारे शरीर में सिर पर है, हमें ज्ञान नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि आपको ज्ञान नहीं है कि आपका मन कहां पर है, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। दिल तो है, हार्ट तो है, लेफ्ट साइड में पड़ा है, और उसको काट करके और वापस निकाल भी देते हैं, दूसरा आरोपण भी कर लेते हैं, यहां तो साइंस पहुंच गई। पर मेरा मन कहता है कि गर्मी बहुत है, आज मेरा मन कह रहा है कि मैं थोड़ा बगीचे में घूम के आऊं। दिल नहीं कह रहा है, दिल तो दूसरी चीज होगी। हृदय का काम धड़कना है, शरीर को जिंदा रखना है। मन का काम है कि ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन इनसे बात करने को हो रहा है। और मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टरों को, ये मन कहाँ पर है? पूरे शरीर में निकाल के दिखाइए तो सही, उंगली तो बता देते हैं, भाव बता देते हैं, मन कहाँ है? उनका नो नो नो, मन इज नथिंग, मन तो है ही नहीं। फिर मन नहीं, फिर मन मन क्यों कर रहा है? ये मुझे पसंद है और ये नापसंद है, ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनको खुद को ही ज्ञान नहीं मन कहाँ पर है, उनको खुद को ही ज्ञान नहीं है कि ये शरीर के ऊपरी भाग में ये जो सहस्त्र छत्तों की तरह जो बना हुआ है, यह सहस्त्र क्या चीज है। और हमारे उन पूर्वजों में एक लोहार का बेटा आसानी से लोहे की कील बना देता है। मुझे लोहे की कील बनाने कहे तो मैं ढक्कन करूंगा, या तो उंगली काट लूंगा या पैर कुचल दूंगा, लोहे की कील मुझे नहीं बन सकती। लोहार बना देगा, पांच साल का सात साल का बच्चा बना देगा। सुनार के बेटे को चोरी करने का सिखाया, सोने में से कैसे तांबा मिला देगा, वो मिला देगा, मैं नहीं मिला। अब जिसको जो ज्ञान है, उस समय उन पूर्वजों को ज्ञान था, उस सहस्त्रार जागरण था, इसलिए उनको बेटों को भी ज्ञान था, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्रिया थी। इसलिए उस समय एक ऋषि पैदा हुआ, उसका बेटा भी ऋषि बना, उसका बेटा भी ऋषि बना, और उन ऋषियों को हमने त्रिकालदर्शी कहा, त्रिकालदर्शी कहा, तीनों लोकों को देखने के लिए कहा। और त्रिलोक क्या? कालो एवं निर्वदा निपुलात लक्ष्मी, काल का मतलब है जो क्षय नहीं हो सके वह काल है, जिसको समाप्त कर ही नहीं सकते। एक पूरे समय की आवृत्ति में यहां से देख रहा हूं, थे उस दीवार तक देख लेता हूं, इस दीवार तक इसलिए देख लेता हूं कि इसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, बाधा नहीं है, अड़चन नहीं है, इसलिए मेरी दृष्टि वहां तक पहुंच रही है और मैं आसानी से देख लेता हूं। इसलिए देख लेता हूं कि इस बीच में जो अवरोध नहीं है, तो काल का भी कोई अवरोध नहीं होता। समय अपने आप में कालो एवं काल अपने आप में पूर्ण एक इकाई है, उसके टुकड़े नहीं कर सकते, काल के टुकड़े नहीं हो सकते, हवा के टुकड़े नहीं हो सकते। आप यह अलग बात है कि एक हवा को गुब्बारे में भर दे, एक हवा को दूसरे गुब्बारे में भर दे, वो आप भर रहे हैं, पर हवा अपने आप में आपको काट नहीं सकते, टुकड़े करके हवा को नहीं दे सकते, पानी के टुकड़े नहीं कर सकते। उसी प्रकार से उस समय के भी टुकड़े नहीं कर सकते। समय तो अपने आप में पूर्ण एक पट्टी है, इस किनारे खड़े होंगे उस किनारे पर दिखाई देगा। और काल कितना लंबा चौड़ा है कि आज से 25,000 वर्ष पहले की जो समय की घटना है और 25,000 वर्ष बाद की घटना पूरी एक इकाई है, उसको काल कहते हैं। और यदि हम एक सिरे से हम देखें, मैं यहां से देख रहा हूं वहां दिखाई देता है, तो काल के एक सिरे पर देखने पर काल का दूसरा सिरा दिखना चाहिए। और मैं यहां खड़ा हूं और खड़ा हूं, मुझे व्याकरण में समझा गया कि एक भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल है, एक भविष्य काल है। काल कितने प्रकार होते हैं? तीन तरह के होते हैं, और हमने व्याकरण में पहली क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ा है। मगर वर्तमान काल जैसी कोई चीज है ही नहीं, काल दो ही होते हैं, केवल भूतकाल और भविष्य काल। जो कुछ बीत चुका है वो भूतकाल। इस समय ठीक 3 बजे, बराबर 3 बजे, और 2:59 और 59 सेकंड भूतकाल। 1 सेकंड पहले की घटना भूतकाल है, 1 सेकंड आगे की घटना भविष्य काल है, वर्तमान कुछ है नहीं। वर्तमान तो अपने आप में दोनों कालों को पहचानने की क्षमता है, उसको मनुष्य कहते हैं। दोनों कालों को जो बीच में खड़ा है वह व्यक्ति है, केवल व्यक्ति खड़ा हो सकता है दोनों कालों के बीच में, पशु नहीं खड़ा हो सकता, पशु पीछे का चिंतन नहीं कर सकता, आगे का चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए काल तीसरा काल है ही नहीं। तीसरा जिसको काल कहते हैं वो हमें काल पुरुष कहा गया है, काल पुरुष मनुष्य को कहा गया है, भगवान को कहा गया है। काल पुरुष देख सकता है, पुरुष मैं देख सकता हूं कि भविष्य क्या चीज है, भूतकाल क्या चीज है, मगर दुर्भाग्य यह है कि मुझे भूतकाल का भी ज्ञान नहीं,
और भविष्य काल का भी ज्ञान, कल क्या होगा, एक घंटे बाद क्या होगा हमें ज्ञात नहीं है, और आज से 100 साल पहले मेरे साथ क्या घटना घटी थी वो मुझे ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है? इसलिए कि उस ग्रंथि का उपयोग करना भूल गए, जिस ग्रंथि के माध्यम से ये अनुभव होता था। एक आंख ग्रंथि है, आंख ग्रंथि के माध्यम से देख सकते हैं, कान एक ग्रंथि है उसके माध्यम से सुन सकते हैं, हाथ एक ग्रंथि है जिसके माध्यम से पकड़ सकते हैं, और सहस्त्रार एक ग्रंथि है जिसके माध्यम से भूतकाल भविष्यकाल को देख सकते हैं, और तो ग्रंथि लुप्त है। उस ग्रंथि में अपने आप में जड़ता है, क्योंकि उस ग्रंथि का स्पंदन नहीं रहा। मैं अगर ये मेरे घुटने बिल्कुल खराब हो जाए तो मैं चल नहीं पाऊंगा, जोड़ों में जब बहुत ज्यादा दर्द हो जाए तो लोग चल नहीं पाते, लोग चल नहीं पाते तो उसके बाद में वे चल भी नहीं सकते, पांच उठा के इजी चेयर पे चलते, क्योंकि वो ग्रंथि काम करना बंद कर लेती है। अगर हम हाथ हाथ का उपयोग नहीं ले तो हाथ अपने आप काम करना बंद कर देगा। आपने कई हठी योगी देखे होंगे, एक हठी योगी 15 साल से बिल्कुल यूं खड़ा रहा, आपने अखबारों में उसका पढ़ा होगा प्रेमा मित्र जी, और हाथ यूं खड़े रहे, वहां चिड़िया ने घोंसला दे दिया, अंडे पैदा कर दिए, चिड़िया बनकर उड़ भी गई। 15 साल तक हाथ यूं रखा, नीचे नहीं उतारा, पर 15 साल के बाद बाहर नीचे उतारने की कोशिश की, दाद उतरा भी नहीं, क्योंकि सब इंद्रिया जान हो गई, ये सब जान हो गया। फिर उसका जिंदगी भर हाथ ऐसा ही रहा, मरने पर भी हाथ ऐसा ही रहा, क्योंकि वो जो इंद्रिया थी वो वर्क करना बंद कर गई, और हमारे सहस्त्रार ग्रंथि को हमने उपयोग नहीं किया तो वो वर्क करना बंद, जिंदा तो है वो, हाथ जिंदा है, सहस्त्रार ग्रंथि भी जिंदा है, मगर वो एक्टिव नहीं है। मैंने कहा कि 90% हमें एक्टिव है नहीं शरीर, वो ग्रंथि जब एक्टिव नहीं है तो जब एक्टिव नहीं है उससे कनेक्टेड काम हम नहीं कर पाएंगे। आंख होगी नहीं जिसकी एक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, देख नहीं पाएंगे, आंख खुल जाए नहीं देख पाएंगे। सहस्त्रार ग्रंथि अगर बिल्कुल लुप्त है, सुप्त हो गई है, चेतनाहीन हो गई है, और उसमें स्पंदन नहीं है, वो देख नहीं पाएंगे। और जो ही सहस्त्रार अगर जागृत होता है तो उसका काम ही है भूतकाल भविष्यकाल को पूरे काल को देख लेना। 5-4 साल पहले शंकराचार्य कहां घूमे, कहां उठे, क्या देखे, देख सकते हैं, कहां रहकर देख सकते हैं, क्योंकि वह तो एक लंबाई है, और उसी तरह भविष्यकाल को देख लेंगे कि 200 साल पहले मैं कहां जाऊंगा, 200 साल बाद कहां आऊंगा, क्या होगा, पिछले जीवन को अगले जीवन को, इस पूरी समग्रता को देखने की जो क्रिया है वह सहस्त्रार ग्रंथि है, और काल देखने की क्रिया है एक सहस्त्रार ग्रंथि के माध्यम से, और इस सहस्त्रार ग्रंथि को जागृत करने की क्रिया को क्रिया योग कहते हैं। ये क्रिया योग, ये योग है, मनुष्य का उस ग्रंथि से संयोग करने की क्रिया को योग कहते हैं। अब आप पूछेंगे क्या जरूरत है इस ग्रंथि को जागृत करने की, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको आंख की क्या जरूरत है? आप लकड़ी के सहारे कर सकते हैं, आंख की जरूरत क्या है आपको? नाक की जरूरत क्या है? हाथ की जरूरत क्या है? लखपति है क्या जरूरत है? लोग खाना खिला देंगे आपको, वह जीवन का चार्ज नहीं है। और यदि सहस्त्रार ग्रंथि जागृत नहीं है तो जीवन का चार्ज नहीं है। हम बड़े दुखी हैं कि भगवान जाने 4 महीने बाद क्या होगा। भगवान कौन सा? हम तो खुद कह रहे हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तो फिर भगवान फिर कौन सा है? इसलिए कि हमारा जो वह जो चेतना युक्त स्थान है, वह चेतना युक्त स्थान अपने आप में सक्रिय नहीं है, और हमारे शरीर के कई अंग सक्रिय नहीं है। वे अंग जो आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं वो सक्रिय नहीं है, जिसको मूलाधार कहते हैं वह सक्रिय नहीं है, वो स्वाधिष्ठान कहते हैं वह सक्रिय नहीं है। और आप मुझे पूछेंगे कि मूलाधार होता है गुरु जी, और मैं पूछ रहा हूं कि हृदय होता है, अनुभव किया जाता है हृदय है, यदि यहां चीरा लगाए तो देख लेंगे, और यदि आप चीरा लगाए तो बिल्कुल मूलाधार का जो चिन्ह बनाया बिल्कुल वैसी नारियों का गुच्छा है, बिल्कुल वैसा है। स्वाधिष्ठान चक्र को चीरा लगाते देखे तो आराम से वहां नारियां कुछ उतने प्रकार की खटी है, वैसा ही रंग है, वैसा ही कलर है। अब उसको स्पंदन करने की जरूरत है, उसको छेड़ने की जरूरत है। जब उसको छेड़ेंगे तो इंद्रिया अपना जागृत होगी, और जब जागृत होगी तो उसका जो एक्टिवनेस है वो अपना आप काम होने लग जाएगा। एकदम से आदमी को बैठा होगा ये क्या, पिछले जीवन में ये था, उससे पिछले जीवन में ये था, 3 साल जीवन में ये था, 100 साल पहले में ये था, ये कृष्ण खड़ा है, ये गीता है, द्वारिका है, ये ऐसा क्या देख रहा हूं मैं, भविष्य काल में ये घटनाएं घटेंगी। इन सारी घटनाओं को त्रिकाल दृष्टिता कहते हैं। एक दृष्टि तो मैं हुई त्रिकाल, एक काल पिछला, भूतकाल पूरा, एक भविष्य काल, इन तीनों को देखने को मैं काल हूं, सब आप में सिद्ध होगा। ये सारी एक्टिविटी को हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इन क्रिया को मनुष्य से जोड़ने की क्रिया को क्रिया योग कहते हैं। इसलिए कि क्रिया योग के माध्यम से हम उस एक कला से सीधी छलांग लगाकर 5 दिन कला पर पहुंच जाएंगे, दूसरी कला पर रुकने की जरूरत नहीं, तीसरी कला पर रुकने की जरूरत नहीं। क्रिया योग सिद्ध होने का मतलब है आप 5वीं कला पर हैं जीवन की, जो क्रिया योग सिद्ध है वो 5वीं कला पर सिद्ध है।
सोलहवीं कला तो बहुत दूर है, मगर अगर आप पांचवीं कला पे जाना चाहें तो आपको क्रिया योग की रास्ता तो बड़ी है। यदि आपको मुंबई जाना होगा तो रास्ता महाराज जंक्शन होकर के लिए, यहाँ से गाड़ी महाराज जंक्शन जाएगी, महाराज जंक्शन से आगू होते ही मुंबई पहुंचेंगे, या दूसरा रास्ता बिलड़ी होकर जाएंगे, दिल्ली होकर नहीं जा सकते। यदि आपको सोलह कला पे जाना तो रास्ता ये क्रिया योग घूमने जाएंगे इसके माध्यम से, और इसके माध्यम से जब जाएंगे तो अपने आप को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो पाएगी। और आप और प्रश्न है कि ये जो इतना महात्मा गांधी ने भी स्वामी योगानंद जी से प्रार्थना की, महात्मा गांधी जैसा बहुत ही व्यस्त व्यक्तित्व, बहुत काम, उसने भी योगानंद जी से और कोई इच्छा नहीं की। उसने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं, यदि एक योगी की आत्मकथा दी, आपने किताब पढ़ी हो योगानंद की, उसमें कहा गांधी ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे क्रिया योग सिखा दीजिए।